खिलाड़ी, दोनों स्कूल के खिलाड़ी एक आपस में भाईचारा का नजारा पेश करते हुए आपस में हाथ मिलाकर राइट साइड ऑफ द टेबल नाउ फर्स्ट राइट जिसमें 5 मिनट के बाद हाफ टाइम होगा और ये पहला रेड कल्पा के चेस्ट नंबर 22 के बहुत ही चुस्त खिलाड़ी और ये शायद पहले ही रेड में इन्होंने 1 पॉइंट लेने में हासिल अपना जो है सफलता प्राप्त किया। अब कल्पा के चेस्ट नंबर 10 के प्लेयर बहुत ही चुस्त अब पूरी कोशिश करते हुए पॉइंट लेने के लिए परंतु वो बिना पॉइंट लिए जो अपने फील्ड में वापिस आ गए और इस तरह से चेस्ट नंबर 6 मुरंग के काफी लंबे चौड़े प्लेयर जो कोशिश कर रहे हैं लाइन चेक किया और साथ में पॉइंट्स लेने की पूरी कोशिश की। अब देखना होगा ये पॉइंट्स लेकर जाते हैं या और ये ध्यान नहीं दे पाए और इसी तरह इनको डेड कैच जिसे कहा जाएगा कबड्डी के जो है खेल में तो इन्हें पकड़ लिया गया और 1 पॉइंट मुरंग ने भी गंवा दिया। इस तरह से कल्पा के रेडर बहुत ही चुस्त दुरुस्त बिल्कुल पॉइंट लेने के लिए तत्पर अपने टीम के लिए और इस तरह बिना पॉइंट ने वापिस चेस नंबर 22 मुरंग के और ये दोबारा डेड कैच कल्पा के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने 2-3 डेड कैच का जो नमूना जो है यहाँ पेश किया इन्होंने बहुत ही जबरदस्त ढंग से। आप कल्पा के रेडर चेस्ट नंबर 1 पूरी कोशिश करते हुए अपने टीम को पॉइंट्स दिलाने के लिए डू एंड डाई खेल में अपना वापसी कर सकता है चेस्ट नंबर 8 फ्रॉम मोरंग फॉर रेड और इन्होंने लाइन चेक किया और इस तरह से पॉइंट लेने की पूरी कोशिश की बहुत ही चुस्त ये प्लेयर और ये दोबारा डेड कैच कर पाके चेस्ट नंबर 10 जो प्लेयर है ये इन्होंने 2 या 3 जो है डेड कैच का जो है नमूना यहां हमें पेश किया और इस तरह से फिर
रेड करते हुए चेस नंबर 10 के प्लेयर कल्पा स्कूल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्पा और ये मूरंग स्कूल के चेस नंबर 14 बिल्कुल तैयार। और ये देखना होगा ये अपने टीम के लिए पॉइंट्स ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। और ये बिल्कुल तैयार, ये बॉल बिल्कुल ना खेले पीछे, ये यहाँ पर काउंटी फील्ड में जो है यहाँ बॉल ना डाले। और ये रेड कल्पा स्कूल की तरफ से। और ये दोबारा एक नंबर चेस नंबर 1 कल्पा स्कूल के प्लेयर रेड करते हुए और पूरी कोशिश करते हुए अपने टीम के लिए पॉइंट्स लाने के लिए। और ये दोबारा ये कैच कल्पा स्कूल के जो प्लेयर्स हैं इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ डेड कैच का डू आउट डाई का मतलब या करना है या आउट होना है, कहने का मतलब ये है या और इस तरह से एक पॉइंट लेने में सफल रहे और अपना डू आउट डाई का जो सिचुएशन था उससे वो बाहर निकलने में कल्पा के प्लेयर भी जाता है जिसे मोना कहा जाता है। अब दोबारा कल्पा स्कूल के चेस नंबर 10 के रीडर और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये पॉइंट्स अपने टीम के लिए कमाएं, किस तरह से जो है वो बोनस लाइन को भी कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखना ये है कि रेफरीज क्या निर्णय लेते हैं। और इस तरह से रीडर अपने फील्ड में वापस, इस तरह मोरंग स्कूल के 6 नंबर के प्लेयर काफी लंबे चौड़े हैं ये, तो देखना होगा ये पॉइंट्स ले पाते कि नहीं। और ये बहुत ही अच्छा रेफरी का इशारा टीम खिलाड़ी, ये सुपर रेड था इससे पहले जो था, अगर कोई भी खिलाड़ी 3 से ज्यादा आउट कर ले जाता है तो उसे सुपर रेड कहा जाता है। और इस तरह से बोनस मोरिंग की कल्पा के खिलाड़ी बोनस लेने में सफल रहे। इस तरह से आप दोबारा टेस्ट नंबर 22 मोरंग खेल में वापसी करते हुए और ये कल्पा स्कूल के एक खिलाड़ी को आउट करने में सफल रहे। और इस तरह से एक पॉइंट मोरंग स्कूल का भी स्कोर इजाफा होता हुआ। दस चौदह। अब मोरंग स्कूल के लिए बहुत ही अच्छा मौका लोना लेने के लिए क्योंकि कल्पा स्कूल के एक ही प्लेयर वहां पर बचे हैं। देखना होगा ये सफल होते कि नहीं। और ये सफल, और ये फील्ड खाली करने पर और एक खिलाड़ी को आउट करने पर जो लोना में 3 पॉइंट्स मिलेंगे। और स्कोर में बिल्कुल लेवल हो गया है, बराबर हो गया है, नेक टू नेक कंपटीशन, बहुत ही सरलेस मुकाबला आधा स्कूल कल्पा और मोरंग स्कूल के बीच में, स्कोर बिल्कुल बराबर 14-14, दोनों टीमें बिल्कुल टक्कर के। और मोरंग के काफी लंबे चौड़े डेड कैच का जो है बहुत ही अच्छा जो है कल्पा स्कूल ने यहाँ खेल दिखाया हमें। डू और डाई रेट कल्पा के लिए, डू और डाई में देखना होगा ये अपना डू और डाई बचा पाते हैं या नहीं। और इस तरह बोनस लिया और डू और डाई का जो सिचुएशन है उससे वो उबर कर बाहर आए। और ये मोरंग के चेस नंबर 22 खिलाड़ी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बोनस लेने की कोशिश। अब देखना होगा रेफरेंस जो है, हाँ एक बोनस पॉइंट दिया गया है। और इस स्कोर जो है इसमें रेड करने के लिए लाइन चेक किया, साथ में जो है बोनस की कोशिश। कृपया रेफरीज
क्या निर्णय लेते हैं। आवाज सुन रहे हो चेस्ट नंबर 10 बहुत ही चूस जी बिल्कुल पूरी कोशिश करते हुए पॉइंट्स लेने का फेंकना होगा और ये एक पॉइंट लेने में चेस्ट नंबर 1 बहुत ही और ये कल्पा स्कूल का जो कैच है जिसे डेड कैच कहा जाता है जो है बिल्कुल तेजी से लो पॉइंट लेने की कोशिश और ये बिल्कुल लोली से बाहर कर दिया है और दोनों साइड दो पॉइंट लेने में सफल कल्पा की टीम और ये मुरन के छह नंबर चेस बहुत ही लंबे चौड़े देखना होगा ये सफलता प्राप्त करते हैं और ये लोना तो आप देखते हैं मुरन के और ये रेड कल्पा स्कूल के चेस नंबर टेन पूरी कोशिश करते हैं पॉइंट्स लेने का लाइन चेक किया बोनस के लिए कोशिश की और ये लोनी में गए हैं कॉन्फिडेंस है इनको कॉन्फिडेंस है लोनी में गए इसका मतलब एक पॉइंट चेस बिल्कुल चुस्ती से और रेड करते हुए मुरन के प्लेयर आप देखना होगा ये रेड और ये एक पॉइंट लेने में सफल है कल्पा स्कूल के एक नंबर के प्लेयर को उन्होंने आउट किया था और ये बोनस रैली में सफल मुरन स्कूल के 22 चेस नंबर 22 रेड करते हुए आप पूरी कोशिश कर रहे हैं वो पॉइंट लेने का देखना होगा कि वो पॉइंट ला पाते या नहीं अपने अपने टीम को जिता पाते या नहीं ये देखना होगा और ये एक प्लेयर आउट करने में वो सफल हुए और एक पॉइंट मुरन के खाते में जाता एक पॉइंट मुरन के खाते में जाता हुआ और ये कल्पा के खिलाड़ी बहुत चुस्त लोभी नंबर 10 हमारे पॉडकास्ट टीम सांस्कृतिक टीम के जो टीम है वो अपना देवता जी भी ला रहे हैं उन्हें शत शत नमन हम कमेटी के ऑफिशियल्स के द्वारा और ये कल्पा की तरफ से रेड करते हुए हल्के स्टेप द्वारा मोरंग के खिलाड़ी 12 नंबर के जर्सी में हल्का मूवमेंट और उतना ही डिफेंस बढ़िया करते हुए कल्पा के टीम दागने की कोशिश कैच के लिए लेकिन अपना साइड चेंज करते हुए राइट साइड स्टेपिंग बहुत ही फिटफुल है स्टेपिंग से बहुत अच्छे हैं यूज करते हुए लाइन की तरफ बैक लाइन की तरफ बहुत छोटे छोटे स्टेप लेते हुए अच्छा स्टेप है उतना ही डिफेंस अच्छा किया है मोरंग के जर्सी नंबर 6 मोरंग के लिए छोटे छोटे स्टेप लंबे खिलाड़ी हैं पूरे हाथों का प्रयास करते हुए कितना ही अच्छा पूरा है पूरा अच्छा लेफ्ट कैच कल्पा के खिलाड़ी का डेथ कैच गड़गड़ाहट से।